बिजनौर में बाल श्रम विभाग और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने संयुक्त अभियान चलाकर मोटर मैकेनिकों की दुकानों पर काम करने वाले बच्चों को रिहा किया और उनके परिजनों के सुपुर्द कर दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी। बिजनौर शहर से टीम ने आधा दर्जन दुकानों पर छापा मारा और 11 बाल श्रमिकों को रिहा कराया। टीम की छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप मचा रहा और वो दुकानें छोड़कर फरार हो गए। श्रम प्रवर्तन अधिकारी एनपी देशवाल ने बताया कि बाल श्रमिकों को उनके परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा और दुकानदारों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 22/4/2017 को जनपद बिजनौर में बाल श्रम कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रभारी निरीक्षक श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रदेश स्तर में चल रहे बाल श्रम अभियान के अंतर्गत 11 बच्चों की नियुक्ति की गई है, जो कि विभिन्न प्रतिष्ठानों से जैसे ऑटोमोबाइल कार मैकेनिक जो आदि अन्य ऐसे प्रतिष्ठानों से 11 बच्चे चिन्हित किए गए हैं। इनका मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ आयु परीक्षण करने के उपरांत सेवा स्थिति के लिए नियमानुसार कार्रवाई की गई। फैक्ट्री और भट्टे में भी ऐसे बाल श्रम पाए वहाँ पर टीम देनी पड़ती नहीं क्यों टीम समय अभी 30 तारीख से अभियान चल रहा है और संभवतः पूरी प्रयास रहेगा कि कोई भी बाल श्रम मैं आपको मिले। सर इनको तो स्वामी है जहाँ से पड़ रहा है दुकान स्वामी है और कोई भी फैक्ट्री स्वामी के खिलाफ भी कार्रवाई हाँ उनके खिलाफ नियमों के कार्रवाई की।